तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आप अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो जैसे मैंने किया। तो सच्ची में बहुत ही कूल लगने वाला है वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है। तो इस पर मैं सीरीज निकालूंगा और मैं बहुत सारे वीडियो इस पर लाने वाला हूँ इस टॉपिक पे, कस्टमाइजेशन डेस्कटॉप पे। तो आप अगर आपके दोस्त देखते हैं तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, मारपीट हो जाएगा अपने दोस्तों के बीच। क्या होगा, ठीक है? तो उसके बीच में आपको कोई बचाने वाला भी नहीं, और तुम लोग साला कुत्तों की तरह लड़ाई करते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ, ये होता क्या है, ये कैसे आप थीम अप्लाई कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ कवर होगा वीडियो में। तो इसमें मैं सीरीज लाऊंगा कैसे अब थीम में, जैसे मेरी सिंपल है, मिनिमल थीम है ये, मतलब कि किसी को भी ये थीम पसंद आएगा ही आएगा, ऐसा थीम मैंने अभी चूज़ किया स्टार्टिंग में। मैं आपको वीडियो में सारा कुछ कवर करूँगा, हैकर एडिशन, हाउ टू लुक योर कंप्यूटर एज़ ए हैकर थीम, और एक कस्टमाइजेशन फ्यूचरिस्टिक वाला, मैक ओएस वाला, सब कुछ कवर करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे इस पे सीरीज आने वाला है तो आप टेंशन ना लो। और हिंदी में समझाऊंगा एकदम एक एक चीज़, अगर आपको जो कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करो, मेरे में ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे में वो नहीं कर रहा, बहुत उनका कमेंट आता है, तो मैं सबसे साथ कॉन्टैक्ट करूंगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट वहाँ से भी कर सकते हो। तो यार बस वीडियो में इतना ही था, वीडियो बताऊँगा सारा कुछ अभी, तो बने रहना। तो चलो यार बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, तो यहाँ मैंने एक फोल्डर डाउनलोड करके रख लिया, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप मेरे साइट पे जाना, वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने चार वॉलपेपर दिया है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेट किया, मेरे वॉलपेपर कुछ और था भी मैंने सेट कर लिया। मैं अभी लुक की तरफ बढ़ ही रहा हूँ, आपको सारा कुछ बताऊँ कैसे करना है। तो यहाँ देखो तीन सॉफ्टवेयर है, वो जो रेन ड्रॉप तक आपका आइकन दिख रहा होगा वो अभी आपको नहीं शो कर रहा होगा। जब आप रेन मीटर जो सॉफ्टवेयर है साइड में से लास्ट में, आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको वो आइकन वैसा शो करने लगेगा। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, मैं फिर भी इंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल कर लिया इसे। तो बहुत सिंपल इंस्टॉल करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, लेकिन ये दोनों पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको लोड इंक्लूडेड स्क्रीन को अनचेक करना है, फिर आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना। सेम थिंग आपको यहाँ भी वही करना है, तो मैं इसे भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको उसको अनचेक करना है, फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और वो सारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जब दोनों इंस्टॉल हो जाए तो आपको रेन मीटर सॉफ्टवेयर को ओपन करना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जब नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, बहुत तरीका आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो जो आप दो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था उनका नाम चेक कर लेना चाहिए, मैं अभी नाम चेक करके दिखा रहा हूँ। अरे यार कौन सा फोल्डर हो गया, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ MNLML, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर मॉइस्चर कैट, यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था इसके साथ जो स्क्रीन चढ़ाऊंगा मैं, आप यहाँ पे दोनों का सॉफ्टवेयर का नाम आ चुका है। फिर आपको MNML क्लिक करना है, तो आप जब नीचे जाओगे तो स्ट्रॉक पे क्लिक करना है, उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको एक, आप देख सकते हो जब डबल क्लिक करो तो आपको ये ऐसा आ जाएगा, और ये कैलेंडर टाइप का है लेकिन बहुत ही कूल है भाई, देखो कैसे मस्त लग रहा है। तो आप फिर से अनचेक करके आप देख सकते हो यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है, फिर आप उसको ऊपर क्लिक करके इसको छोटा कर देना है, आप चाहे तो नहीं कर सकते। फिर आपको इस पे जाना है, यहाँ मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो बहुत सारा सेटिंग आपको लगेगा कि भाई मेरा तो ऐसे कर रहा, मैंने न्यूली है तो मेरा ऐसा क्यों आ रहा, बस आपको इसमें ऐसा लगेगा जो अभी मेरा शो नहीं कर रहा लेकिन वो शो कर रहा है क्योंकि मैंने छोटा सा करके रखा था। मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा, आपको बीच में आपको हॉरिजॉन्टली एक लाइन आएगा, मोटा सा बड़ा सा लंबा सा लाइन आएगा, जैसे जो अभी मेरा छोटा है इनमें से अभी करके दिखाऊंगा बड़ा आपको कैसा आने वाला है, सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आपको इसके पास जाना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर ओपन कर चुका, आपको रेड मीटर सॉफ्टवेयर को कट कर देना, फिर आपको इसके पास जाना, आप देख सकते हो मैं कोई सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो ऐसा वेव आएगा, क्योंकि मैंने पहले से कस्टमाइज कर दिया था तो ऐसा वेव आ रहा, लेकिन आपको ऐसा नहीं आने वाला। तो आपको कैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, जब से ओपन सेटिंग में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऐसा था, जब इसे बढ़ाओगे देखो लाइन आपका ऐसा आने वाला है, तो ऐसा लंबा लाइन आने वाला है। तो जो जो मैं वैल्यू यहाँ पे सेट किया हुआ वर्चुअलाइजेशन साइड, ऐसा जो साइड सारा जो वैल्यू सेट किया मैंने, एंगल, रोटेशनल एंगल, सारा कुछ आपको यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेना और सेट कर लेना। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं एक एक वैल्यू आपको चेक करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया था सारा कुछ। आप यहाँ पे देखो मुझे मैं एंगल चेंज किया तो देखो सारा लाइन चेंज हो गया, तो मैंने पहले से आपको वैल्यू सेट करके दे दिया, आप देखो और यहाँ पे अपने में अप्लाई कर लेना वीडियो पॉज कर करके, ठीक है? तो आपको वर्चुअलाइजेशन में जाना, सॉरी स्टाइल पर क्लिक कर दिया, वर्चुअलाइजेशन पर जाना है, यहाँ पर स्मूथली लेवल्स को आपको 4 पे रखना है, और सारा कुछ आप देखते हो बार विड्थ को 14px रखना, बार गैप को आपको 12px रखना,
अब जैसे जैसे मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका साइज बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन जितना मैंने सेट किया उतना ही रखना तो आपको कूल लगेगा, अच्छा सेट हो जाएगा, उसे तो मैनेज हो जाएगा, मतलब मिक्सअप टाइप का लगेगा कि भाई इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारा कुछ आप जब कर लोगे तो मैं अभी सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखने वाला कितना कूल लग रहा है भाई, देखो फिर आपको एडजस्ट कर लेना आपके मुताबिक, इसको आपको क्लोज़ कर देना, आप सॉफ्टवेयर क्लोज़ कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, बार विड्थ बढ़ा के घटा के दिखा रहा हूँ, फिर मैंने 14px ही रख लिया। इस तरह से आपको कस्टमाइजेशन करना, बार विड्थ है, बहुत कुछ है, तो जब आप कर लोगे ना तो इसे फिर आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। मैंने अभी एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो के लिए। गुड बाय, जय हिंद।